ये देखो ये भाई अपनी जेसीबी का, देखो ये रे 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 रे। तो यार गाइस आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले ये वाले 2x4 क्रॉलर को गाइस, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता गाइस और मानो मेरी बात को बहुत ही ज्यादा एपिक है गाइस। उसके बाद में आती है हम लोगों को एक जेसीबी अनबॉक्स करने के लिए मिल रही है जो कि बहुत ही ज्यादा रिमोट कंट्रोल जेसीबी होने वाली। कैमरामैन भाई जरा पास में आओ, बिल्कुल लोगों का समय बर्बाद नहीं करना गाइस। सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करने वाले अपने 2x4 मॉन्स्टर ट्रक को गाइस जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल गाइस 2.4 गीगाहर्ट्ज में अपन को मिल जाता गाइस। इधर पास में ले आओ भाई जरा, देखो 2.4 गीगाहर्ट्ज में मिल जाता है 8 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। 1:20 स्केल का मॉन्स्टर ट्रक हो जाता है गाइस। रॉक क्रॉलर इसका नाम है गाइस। सस्पेंशन होता है, रेडियो कंट्रोल होता है और गाइस काफी अच्छे ऑर्गेनाइज्ड गियर्स इधर पर आप लोगों को मिल जाते हैं गाइस। इसके बाद में अगर बात करें 4WD रिले कार से गाइस, इसमें 1:20 स्किल जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ गाइस। अगर थोड़ा पीछे चलते हैं गाइस तो इस तरीके से इसकी एक बढ़िया सी एक पिक आ जाती है गाइस। मॉन्स्टर जहाँ की तहाँ लिखा हुआ है और बिल्ट टू लास्ट लिखा हुआ है गाइस, मतलब लास्ट तक बिल्कुल। तो गाइस फटाफट से हम लोग अपने रॉक क्रॉलर को अनबॉक्स कर रहे हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर एक टेप लगा हुआ, तो मैंने इस टेप को इस तरीके से निकाल दिया है गाइस। थोड़ा सा मे भी आप लोगों को वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, डैन टैन। तो गाइस इधर पर जैसे ही मैं ट्रक को बाहर निकालता हूँ तो गाइस मुझे एक चार्जिंग केबल इधर पर इस तरीके से मिल जाती है गाइस। ये अपन को अपना एक रॉक क्रॉलर मिल जाता है गाइस जो कि 2x4 होता है गाइस। इसके बाद में अपन को एक ये अपन को एक बैटरी मिल जाती है गाइस जो कि कितने एमएच की है, पास में आ जाओ कैमरामैन भाई थोड़ा सा, 400 एमएच की 3.7 वोल्ट की एक बैटरी आप लोगों को मिल जाती है गाइस। इधर पर एक चार्जिंग केबल भी आप लोगों को मिल जाती है गाइस। रॉक क्रॉलर का लुक काफी एपिक होता है गाइस। सस्पेंशन भी इसमें काफी अच्छे लगे हुए हैं गाइस। इसके बाद में आते गाइस ये वाला एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है गाइस, बहुत ही अच्छा लुक में ग्रीन कलर में मिल जाता है गाइस। इसको मैं इस तरीके से इधर पर रख दे रहा हूं गाइस। इसके बाद में अभी मैं इसकी पैकिंग को सब कुछ यही सब मिलता है अपन को इस वाले रॉक क्रॉलर में। अब कैमरामैन भाई थोड़ा इधर पर फोकस करो, लोग अपन को नहीं गाड़ियों को देखने के लिए आए हैं तो वही देखना चाहिए। तो गाइस अब अपन अनबॉक्स करने वाले जेसीबी को। तो गाइस ये मैंने इधर से जेसीबी का टेप निकाल के इधर पर लगा दिया गाइस और देखो गाइस यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाली है आपकी जेसीबी। फिर भाई यहाँ पर मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ गाइस। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया था बीच में गाइस, लाइट वाइट वगैरह चली गई थी गाइस। यहाँ पर देखो आप लोगों को इधर पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बॉक्स के बारे में कुछ बता दूंगा। इस इधर पर अपन ने ये चीज़ के बारे में तो बात ही नहीं किया गाइस। ये आता है रिमोट फ्लैश बुलडोजर है गाइस, काफी अच्छा देखने में होता है गाइस। RC रिमोट कंट्रोल्ड है, LED लाइट्स जलती हैं गाइस। इसके बाद में रियलिटी और क्या बोल रहा है और स्टॉप भी होता है गाइस, रेडियो कंट्रोल स्टॉप होता है गाइस, मतलब अपन इसको रिमोट के थ्रू स्टॉप भी कर सकते हैं गाइस। इसके बाद में इसमें आ जाता है न्यू अराइवल्स करके इधर पे एक ब्रांडिंग आ जाती है, ब्राइट लाइट्स आ जाती हैं और बैटरी फंक्शंस भी आप लोगों को मिल जाते हैं गाइस। इसके अलावा ये 6 डायरेक्शन में चल सकता है गाइस, सामने आगे पीछे दाएं बाएं और दाएं बाएं के बीच में भी जो डायरेक्शन बनती है उन डायरेक्शंस में भी ये चल सकता है गाइस। अब हम जब आके थोड़ा सीधे इसकी फंक्शनैलिटी पे देखते हैं तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को एक मिल जाता है रिमोट मिल जाता है गाइस, काफी ज्यादा पावरफुल रिमोट होता है गाइस। कर देता हूँ किनारे गाइस, एक चार्जिंग केबल इसमें भी मिल जाती है गाइस। इसके साथ में हमको एक बैटरी मिल जाती है जो कि गाइस 700 mAh 4.8 वोल्ट की होती है गाइस। देख दो भाई कैमरामैन भाई आ गई, दिख गई सही है ना। इसके बाद में अगर हम बात करें अपनी रॉक इसकी जेसीबी की तो गाइस ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को अपनी जेसीबी देखने के लिए मिल जाती है गाइस। लुक की बात करें तो काफी ही ज्यादा एपिक लगती है गाइस, पूरी रिमोट कंट्रोल्ड है, फुल्ली रिमोट कंट्रोल जेसीबी है गाइस। और अभी मैं आप लोगों को सीधे इनकी टेस्टिंग करता हूँ, बैटरी डाल देता हूँ गाइस। तो गाइस अभी मैं इन सब में इन दोनों में बैटरी डालूंगा, इनके बीच में हम देखेंगे कि कौन सबसे बेस्ट है और देखेंगे और इन्हें टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए इनकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मैंने दो शक्ति के सेट एक और दो अपनी ये वाला जो मॉन्स्टर लगा इसके अंदर मैंने इधर पेस्ट किया है। तो गाइस ये वाला सेट अपना इधर हो चुका है रेडी गाइस, देखो ये चल रही है। देखो अभी इसी स्पीड से हम जल्दी से दूसरे वाले में भी सेट और रिमोट लगा देंगे। इसमें मेरी वाली बैटरी यूज नहीं करने वाला हूं गाइस, क्योंकि मैं मुकाबला करने वाली बैटरी काफी यूज करती है इसके साथ वाली। तो ऐसी जो अपनी करने वाला लिथियम आयन 1450 mAh की बैटरी छोटा सा बैटरी सेल लगाई, छोटा सा समझना, छोटा बना का बड़ा धमाका गाइस। चलिए अभी तो थोड़ा पार्ट सेलेक्ट करते हैं। मतलब घूमने में तो काफी अच्छी गाइस, अगर इसके डाले की बात करें देखो गाइस ये देखो देखो भाई कैमरामैन भाई जरा पास में आके देखो भाई, बच्चों का तो खिलौना है, इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ज्यादा। और गाइस इधर से थोड़ा किनारे से दिखा देता हूँ गाइस, देखो इस तरीके से ये देखो ये देखो ये भाई अपनी जेसीबी गाइस देखो ये रे 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 पुदीना ले लो, पुदीना। तो यार भाई अभी अपने इस वाली जेसीबी के ऊपर अपने इस वाले मॉन्स्टर ट्रक को रखा था, अब हम अपने मॉन्स्टर ट्रक के ऊपर इस जेसीबी को रखेंगे और देखते हैं कि ये इसे उठा पाती है कि नहीं उठा पाती। तो गाइस सबसे पहले मैं इसे चेक कर लेता हूं चालू कंडी गाइस, बिल्कुल ही चालू कंडीशन में गाइस ये हमने अपनी जेसीबी।
तरीके से मैंने अपने ड्रॉप करा। अब जो गाड़ी काम तो यार समझते तो तुम लोग है ना, समझदार हो है ना, समझदार हो कि नहीं कमेंट में बताना ठीक। देखो मुड़ता है कि नहीं मुड़ रहा, तो मुड़ने का गाइस बड़े आराम से हमारा रॉक क्रॉलर इसको ले जा पा रहा है गाइस। देखो ये मुड़ेगा भी, देखना ये देखो ये मुड़ना है। ओ भाई मतलब बहुत ही अच्छी कतई, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। आजा मेरे मॉन्स्टर ट्रक। ओ भाई तो इस चलने में तो काफी ज्यादा है, देखो बड़े आराम से इसका वेट उठा पा रहा है। लाकर गाइस इस तरीके से हम इससे माल उठवाते हैं गाइस। देखो तो इधर पे ये अपना जो जेसीबी है ना यार, मतलब इसका डाला है ना गड़बड़ हो गया, मतलब गड़बड़ी काम कर रहा है, सही से कचरा नहीं उठा पा रही है। रॉक क्रॉलर को टेस्ट करते हैं। तो गाइस मैं इसका स्लोप जमा दे रहा हूँ और ये सब रस्सी वगैरह मैं इधर से किनारे कर दे रहा हूँ। तो चलो भाई ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो गाइस, मतलब पावर के मामले में तो रॉक क्रॉलर बहुत आगे है गाइस। ये देखो, ओ देखो देखो देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, मतलब तो यार मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्रधानमंत्री, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि अपन ने इधर पे अपने जो रॉकर को पुल पे चला बड़े अच्छे से निकल गया यार। अब इधर गिट्टी में ट्राई करके देखते गिट्टी में कैसे चलेगा। हाँ थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है क्योंकि फंस रहा है ना, छोटे व्हील है यार, समझा करो, अब तुम लोग समझदार हो। देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है लेकिन आसानी से चल जा रहा है गाइस। अभी देखो इसको और थोड़ा सा अपन ने अच्छे से पाथ पे रखा हुआ है, देखो बढ़िया तरीके से, जो कह सकते हो ना इसका जो थोड़ा फंसते हैं छोटे से चके होने के कारण फंस जाते हैं, बट चलने में तो बहुत जहर है गाइस। प्लेन सरफेस पर भी चलाने वाला हूँ, इसके बाद में वही स्क्रिप्ट लगाऊंगा। देखो बढ़िया बिंदास चल रही, बिल्कुल एकदम जहर, बिल्कुल देख लो। अब देखो ये वाला मतलब एकदम गजब शॉट है ये वाला, देखो कितना बिंदास, देखो उसमें फंसा ना। अभी एक लात मारूंगा उसको, ये मारिए मैं एक लात, अभी देखो कितना बिंदास चल रहा है। देखो मतलब नहीं रुक रहा भाई, बिल्कुल स्लो मोशन है, मोशन कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसी ओरिजिनल वीडियो बननी चाहिए वैसी ओरिजिनल वीडियो है, वाइड एंगल से बनाई हुई है गाइस। देखो बिंदास चल रही है एकदम बिल्कुल मस्त। अब तुम लोगों को देखो छोटे छोटे टायर होने के कारण ना थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होती तो फंस जाती है, चलने में बहुत बिंदास है। और प्लेन सरफेस तक हमारा रॉक क्रॉलर अंदर आ चुका है गाइस। अभी हम इसको सोच रहे हैं कि पानी के अंदर टेस्ट करें, कीचड़ के अंदर टेस्ट करें। तो यार चलो ना कर देते हैं, तुम लोगों को हल्की फुल्की चीज़ें पसंद ही कहाँ आती हैं, तो चलो लो जल्दी से। गाइस अभी अपन ने डाल दिए हैं इसको कीचड़ के अंदर और मुझे हो गई थोड़ी सी खांसी। अब चूंकि ये इधर पर थोड़ा सा दिक्कत चल रही है और मैं इधर पर जल्दी जल्दी से फटाफट से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जल्दी से इधर से निकल जाए, निकालने की कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से निकल जाए यार, लेकिन ये तो फंसती ही जा रही है। अभी फिर से मैंने उठा के इसको रखा आप लोगों के सामने और निकल जाएगी गाइस। चलो वो तो निकलती रहेगी, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करने मिलते हैं।